आज आपका टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ए किचन गार्डन। इसमें आपके कुछ पॉइंट बच गए थे, 7 तक आपका क्लियर हो चुका था, बीज एवं उनका रोपण। और जो नेक्स्ट जो आपके 5 बचे हैं वो आज समझाया जाएगा वीडियो में। तो जैसे आपका किचन गार्डन होता है ये तो आपको पता ही है कि कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या आप उसको जब किचन गार्डन करते हो, किचन गार्डनिंग करते हो, तो क्या चीज़, क्या बातें आप ध्यान में रखकर उसकी प्लानिंग करते हो, ये सब चीज़ें आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, बट बाद में ही आपको किचन गार्डन करता है। मेनली जो आपका किचन गार्डन होता है वो किस पर होता है, आपका निर्भर भूखंड पर निर्भर होता है। उसके ही उसको ही ध्यान में आप उसकी माँ की जो सॉइल होती है, मिट्टी वो कैसी होगी, और जो उसका इन्वायरमेंट, वो जो आपकी गार्डनिंग है वो कितनी बड़ी है या छोटी है, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग आप फल और सब्जियाँ लगाओगे, इन जो छोटी छोटी बातें हैं उनको ध्यान में रखकर ही आप प्रिपरेशन करते हो। तो आपका जो 8 पॉइंट होता है वो ये है, कीटों से बचाव एवं रोगों से रोकथाम। तो कीटों के बचाव और रोगों से रोकथाम आप कैसे करोगे, जैसे आपकी फल और सब्जियों में कीट हानि पहुँचाते हैं, कुछ कीड़े पौधों को खा जाते हैं, कुछ फलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो जो कुछ पत्तियां होती हैं फूल आपके फल उनके रस चूसकर पौधों को सुखा देते हैं, इन कीटों का नियंत्रण आवश्यक है। प्राकृतिक रूप से चिड़ियां ऐसे कीटों को खाकर उनकी संख्या कम करती हैं, जो कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कीड़ों को समाप्त करने में सहायक होता है। कुछ कीटनाशक निम्नलिखित है, जैसे कि मेथाइलिन होते हैं, DDT का गैमेक्सिन पाउडर होता है, ये सब क्या होता है, कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं। विभिन्न प्रकार की सब्जियों में भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, मिर्च गोभी बैंगन आदि गलन से प्रभावित हो जाते हैं, उनका निचला जो तना होता है वो गलने लगता है। कोई भी रोग हो जाने पर पहले नियंत्रण करना चाहिए, अन्यथा तो उसे नष्ट करके जला देना चाहिए। ऐसे पौधों के बीज भी उपयोग नहीं करने चाहिए। देन मीन्स क्या होता है, जो आपके कीट होते हैं ये क्या होते हैं, फल और सब्जियों में जो एक कीड़े होते हैं आपको हानि पहुंचाते हैं, कुछ पौधे खा जाते हैं, या उनके जो फल होते हैं, तने होते हैं या पत्तियां होते हैं उनके क्या होते हैं, उनका रस चूस लेते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका पौधा सूख जाता है। जो आप अलग अलग मौसम पे जो अलग अलग साफ सब्जियाँ बोते हैं, फल बोते हैं, उनमें भी जो कीट होते हैं वो पाए जाते हैं। देन पहले अब भी टाइम में जो क्या होती है, जो हमारी चिड़ियाएँ होती थी वो इन कीटों को खा लेती थी, जिससे कि उनकी संख्या कम हो गई है, बट अब भी जो कीट होते हैं बहुत होते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं हम उनका यूज़ करते हैं, और जैसे कि मेथलाइन होती है आपका, DDT का DDT होती है, गैमेक्सिन पाउडर होता है, इससे क्या होता है कीट मर जाते हैं। और ये अलग अलग सब्जियों पर डिफरेंट तरीके से पाई जाती हैं, जो जो हमारी जो साग सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं। देन फिर 9th आता है आपका सिंचाई। इसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, उचित तापमान एवं जल पौधों को जीवित रहने की अनिवार्यता है। पौधों को जल की काफ़ी आवश्यकता होती है, अतः समय समय पर उसे देते रहना चाहिए। पौधों को कितना जल दिया जाए उसको कोई बाधा हुआ नियम नहीं होता है, यह निर्भरता करता है भूमि की नमी, स्थान, जलवायु, मौसम तथा पौधों की ग्रहण क्षमताओं पर। हफ्ते में एक बार गेलन में जल में 25 ग्राम उर्वरक मिलाकर सिंचाई कर देने से पौधों की अच्छी वृद्धि एवं विकास होता है। सिंचाई के लिए हजारे या छोटी बाल्टियों का प्रयोग करना चाहिए। पेड़ पौधों की पत्तियां भी साफ़ कर देने से अच्छी वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, जब आप सिंचाई करते हो तो सूर्य का प्रकाश, वहाँ का टेम्परेचर और जल जो जिसमें पौधे जीवित रहते हैं, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इनके आपके पौधों के लिए अनिवार्य होती है। जो पौधे क्या होते हैं, जल पौधों में जल की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, क्योंकि उनको आप क्या करते हो, आप उनको टाइम टाइम पर उसको देते रहना चाहिए। एक ये देख लेना चाहिए कि पौधे में कितना जल देना चाहिए, या कोई इसका कोई नियम तो है नहीं, ये आप ज़्यादा पानी देते हो अदरवाइज़ तो उसका गलने का डर रहता है,
तो वो डिपेंड करते हैं आपकी वहाँ की भूमि पर, आपके वहाँ के स्थान पर, जलवायु पर, मौसम, या फिर आपके इन पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो फिर पौधे की जो जल ग्रहण करने की क्षमता होती है उस पर डिपेंड करता है कि उसको वो कितना पानी अब्जॉर्ब कर सकता है, कितनी वो पानी को सोख सकता है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसमें करना चाहिए। हफ्ते में एक बार आप ग्लेगन जो होता है वो जल में डाल लो जल के, और उसमें जल में थोड़ा उर्वरक डालकर भी आप उसकी सिंचाई कर दे, तो क्या होता है जो पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, उसका डेवलपमेंट अच्छा होता है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाती है। और आप जो सिंचाई करते हो या तो आप छोटी बाल्टी से करो, या फिर हज़ारा होता है जो सिंचाई का इक्विपमेंट होता है, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इससे क्या होती है जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां साफ़ हो जाती है हजारे के थ्रू, जो उन पे कीट होते हैं, धूल मिट्टियां लगी रहती है वो इनके थ्रू साफ़ हो जाती है। देन नेक्स्ट आता है गुराई एवं निराई। गुराई निराई कैसे की जाती है, ये पौधों के साथ उग जाने वाली खतपतवार पौधों का पोषण कम कर देता है, अतः इन्हें बराबर निकलते रहना चाहिए। गुराई से आसपास की मिट्टी ऊपर नीचे भी होती रहती है, जो पौधों के लिए लाभप्रद होती है। इस प्रक्रिया में मिट्टी में जलवायु, इस प्रकार की मिट्टी में जल के तत्व भी मिल जाते हैं। गुराई धीमे हाथों से करनी चाहिए जिससे कि पौधों की जड़ों को नुकसान न पहुँचे। जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद, गाजर, मूली आदि मिट्टी पर चढ़ानी होती है। जब आप निराई गुराई करते हो तो आप ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप निराई गुराई कर रहे हो तो ये देख लेना चाहिए कि जो उसमें अनचाही घास, जिसको आप खतपतवार बोलते हो, वो उसको निकालने के लिए ही आप निराई गुराई करते हो। और उससे क्या होता है, जब आपकी जहाँ पर आपने फसल या पेड़ पौधे लगाए हुए हैं साग सब्जी के, तो उसमें क्या होता है, उसमें उसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो पोषण जो कम कर देती है, क्योंकि खतपतवारी वो सारे न्यूट्रिशन वैल्यू ले लेती है। तो उसको बराबर बराबर मात्रा में निकाल लेनी चाहिए। आस जो मिट्टी होती है वो ऊंची नीची ऊपर नीचे करनी चाहिए जिससे कि न्यूट्रिशन वैल्यू मिल सके। जैसे कुछ रोटेशन होते हैं ऑफ क्रॉपिंग जो फसलों में परिवर्तन का चेंज करते हैं, जैसे कि आप कई फसलों में परिवर्तन कई प्रकार से आप कर सकते हो। जैसे कि एक ही सब्जी को प्रतिवर्ष उसी स्थल पर नहीं लगाना चाहिए, एक भूखंड पर एक साथ दो या दो से अधिक सब्जियां लगाई जा सकती है, कुछ जड़ वाली, कुछ बेल वाली और कुछ फल वाली। या आप ये भी कर सकते हो, निरंतर जो सब्जियां प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे कुछ अंतराल पर आपको उन्हें बोना चाहिए, या आप अधिक जल खींचने वाली सींचने वाली जो सब्जियां पैदावार के बाद कम जल सींचने वाली सब्जियां आप फल बो जा सकते हो, जैसे टमाटर, गोभी, गाजर, मूली आदि ये चीज़ें। फिर 11th आता है आपकी पौधशाला बनाना। पौधशाला क्या होता है, अपने उद्यान में समनुतन जो बीजों को लेकर पौधशाला तैयार कर लेनी चाहिए। इसके लिए अच्छी मिट्टी तैयार कर समय पर बीज डालकर पौधे उगाकर समय समय पर आवश्यकता अनुसार स्थानांतरित करते रहते हैं। इसमें हम पौधों के अवलोकन एवं सर्वोत्तम पौधों के चुनाव का अवसर मिल जाता है। स्थान भाव होने पर टीन के बक्से, बड़ी क्यारियाँ के आकार के गमले आदि भी नर्सरी लगा सकते हैं। पौधशाला में अच्छी पौध प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पौधशाला की आवश्यकता होती है। बीजों की बुआई के बाद पौधे निकलने के बाद सुबह शाम पानी देने की आवश्यकता हो जाती है, और अन्यथा बीज जो जमीन के जो पोषक तत्व होते हैं वो खतपतवार खींच लेती है। यदि पौधे जल्दी रोगग्रस्त हो जाते हैं और भली भांति नहीं बढ़ पाते और उन्हें पर्याप्त दूरी लेनी चाहिए। अतिरिक्त जो पौधे हैं उन्हें हटा देना चाहिए, स्थानांतरित तब तक करना चाहिए जब वे पौधे में 4 से 6 पत्तियां निकल जाए। स्थानांतरित सूर्य के साथ साथ सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। इसमें क्या होता है, जब आप प्रिपेयरिंग करते हो नर्सरी की, तो सामान अनुसार आपके बीज होने चाहिए जो आप जो पौधशाला में आप डालते हो, और उसमें जो अच्छे से मिट्टी को तैयार करना, उसमें बीज डालना, समय समय पर आवश्यकता अनुसार आप उनको पानी देना, और जो अच्छे पौधे होते हैं उनका चुनाव अलग करना, उनको स्थान में
टीन में, बॉक्स में या नर्सरी के थ्रू भी आप उसको लगा सकते हो। अच्छी पौधशाला तैयार करने के लिए आपको आवश्यकता होती है उसकी टाइम पर खरपतवार निकालना, बीजों की बुआई के बाद उसे सुबह शाम पानी देना, या जो उसकी जो आप खरपतवार नहीं निकालोगे तो न्यूट्रिशन वैल्यू वो खरपतवार खींच लेती है, अनचाही घास। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और पौधों का स्थानांतरण तब करना चाहिए जब 4 से 6 पत्तियाँ उसमें निकल जाए। देन नेक्स्ट आता है 12th, आता है उद्यान में काम आने वाले उपकरण और औजार। उद्यान में जो काम आने वाले उपकरण जो औजार होते हैं, जैसे खुरपी होती है आपकी, वो क्या किसके लिए आती है, निराई गुराई के लिए की जाती है। फिर जो आपका फावड़ा होता है वो मिट्टी खोदने के लिए यूज़ करते हो। कैंची जो होती है आपकी, वो छटाई या पत्तों की कटाई के लिए यूज़ करना होता है। और फिर आपका चाकू होता है वो तने और फल फूल काटने के लिए यूज़ में किया जाता है। फिर आपका हजारा जो होता है वो जल छिड़कने के लिए और सिंचाई करने के लिए दिया जाता है। और आपका जो पाइप होता है वो कैरियों में जल डालने के लिए भी किया जाता है। देन नेक्स्ट आपका आता है आपकी घास की कटाई की मशीनें। घास की कटाई की मशीनें लोन आदि में घास काटने के लिए यूज़ किया जाता है। उष्ण जो टोपी होती है वो कोमल पौधों के तेज धूप से बचाव के लिए आप उष्ण टोपी लगा दो, मतलब आप छप्पट आप घास फूस की टोपी सी बना देते हो। देन फिर है रूटर फीडर, ये जड़ों के में जो रासायनिक खाद देने के लिए पिचकारी नुमा एक यंत्र होता है। फिर है डिक्लेयर, इसमें होते पौधों को जल हेतु सुखाने सुराख करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है, ये नेक्स्ट एक इसमें ये भी आता है जो विभिन्न सब्जियों के पौध लगाने में का समय होता है। जैसे जनवरी में आप तरबूज, सब्जी, मूली, चकुंदर, धनिया पौधे, भिंडी, कद्दू, ककड़ी, करेला, हरी साग लगाते हो, वो जनवरी में लगाते हो। फेब में आप भिंडी, बैंगन, चुलाई, सेम, ककड़ी, अरबी, करेला, ये गवार की फली, लौकी, ये आप फेब में लगाते हो। मार्च में आप भिंडी, बैंगन, चुलाई, ये सब ककड़ी, अरबी, ये करेला, ये सब आप लगाया जाता है। तो जिसके अकॉर्डिंग फिर अप्रैल में आपको भिंडी, ककड़ी, करेला ये भी लगता है। फिर मई में आपका अधिक गर्मी के कारण ज़मीन सूख जाती है तो कोई फसल आप मई में नहीं लगाते हो। देन जून में आप लौकी, तोरी, मिर्च, भिंडी, अरबी, सेम की फली, करेला, ककड़ी, भुट्टा, टमाटर, गवार की फली, मूँगफली आप ये जून में लगाते हो। अगस्त में आप गांठ गोभी, सलजम, गाजर, भिंडी, टमाटर, मूली, पालक ये लगाते हो। सितंबर में आप टमाटर, पपीता, लौकी, चुकंदर ये सब लगाते हो। अक्टूबर में मटर, बैंगन, बंद गोभी, गाजर, आलू, मेथी, पालक ये सब अक्टूबर में लगाते हो। नवंबर में भी आप मटर, मूली, सलजम, चुकंदर, बंद गोभी, फूल गोभी, आलू, हरी साग, धनिया, टमाटर, प्याज लगाते हो। दिसंबर में हरे प्याज, हरी साग, मूली, गाजर, प्याज ये सब आप ये क्या होते हैं, ये आपके मंथ के अकॉर्डिंग आप इसको लगाते हैं।